नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। गोयलकेरा में 126वां सुभाष चंद्र बोस जयंती सह पंडित दीनदयाल शिशु विद्या मंदिर का संस्थापना दिवस मना। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार, अतिथि के रूप में मौजूद रहे डॉक्टर मनोज कोड़ा, थाने प्रभारी राहुल सिंह समेत अन्य लोकेशन गोयलकेरा। खबर विस्तार से, गोयलकेरा में 126वां सुभाष चंद्र बोस जयंती सह पंडित दीनदयाल शिशु विद्या मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई गई। मौके पर अतिथियों का जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार ने कहा, सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रलब थी। वे अंग्रेज शासन का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का भी मनोबल बढ़ाते थे। विद्यालय के स्थापना दिवस पर भी प्रकाश डाला। अतिथि के रूप में डॉक्टर मनोज कोड़ा ने महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बच्चे एवं अभिभावकों के समक्ष शिक्षा के महत्व, स्कूल के उद्देश्य, आदर्श छात्रों के गुण, स्थापना दिवस का महत्व और समाज या देश के समृद्ध में बच्चों का योगदान जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। मौके पर गोयलकेरा प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार, थाना प्रभारी राहुल सिंह ने भी विचार रखे। मुख्य रूप से डॉक्टर जोसेफ मेलगांडी, पूर्व मुखिया केदारनाथ नायक, आलोक रंजन जी, अकबर खान, साकेत वाजपेयी, आनंद प्रसाद, सत्यनारायण जी, डॉक्टर अनिल कुमार प्रधान, सुखदेव लकड़ा, विमल सिन्हा, स्कूल के सम्मानित शिक्षकगण एवं स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, अभिभावकगण मौजूद रहे। बाकी आने वाले कंडीशन जो है वो नौकरी पे डिपेंड नहीं रहे, बाकी सारे चीजें मेडिकल इंजीनियरिंग और जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है वो सारे सेक्टर्स में बच्चे जाए और छोटे छोटे उद्योग वगैरह जो है उसके जाए और उसी दिशा में एक नए पहल शुरू करने जा रहे हैं। और अभी सारे स्कूल्स वगैरह में भी सारे जो शिक्षक हैं वो भी विश्वविद्यालय के माध्यम से जाए, जैसे कि छोटे छोटे जैसे आपका म्यूजिकल वगैरह में बहुत सारे स्पोर्ट्स है, फोटोग्राफी में स्पोर्ट्स है, सिनेटोग्राफी में स्पोर्ट्स है और इस तरह के छोटे आर्ट्स वगैरह में स्पोर्ट्स है। ये तो दिखता नहीं है लेकिन इस तरह के अगर इसमें अगर कोई चला जाए तो इसमें भी अच्छे स्पोर्ट्स है, अच्छे पैसे इसमें आते हैं। जरूरत है कि एक इसको उजागर करने के हमारे शिक्षक वगैरह उस तरह के बच्चों में उस तरह का डालने का और उस तरह की नई शिक्षा नीति जो आएगी हमारे जितने भी आपका प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह छोटे छोटे चीज को जो उसको इस तरह के